जय हिंद दोस्तों, सीआरपीएफ में निकली है बड़ी और बम्पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट आपके लिए आ चुका है। लंबे समय से इंतजार के बाद में सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल का नया रिक्रूटमेंट आ चुका है और वो भी बड़ी और बम्पर भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लॉकडाउन के चलते यहाँ पर बड़ी और बम्पर भर्ती निकाली जा रही है सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की। अगर आप भी दोस्तों सीआरपीएफ में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हो, सेना में भर्ती होना चाहते हो, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर लेके आए। नए रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट के लिए योग्य माने जाएंगे, साथ ही दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्रिटेरिया कितना होगा, कितनी अलग अलग आपकी वैकेंसीज है, कब तक आपका फिजिकल होगा, कब आपका रिटर्न होगा, ये सारी डिटेल हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में भर्ती होना चाहते हो तो आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाए। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। उससे पहले आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जल्दी से बता दे ताकि आपके राज्य का भी कोई भी नया रिक्रूटमेंट आए तो उसकी जानकारी भी आपको साथ में सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट का नाम है आपका हेड कॉन्स्टेबल और रिक्तियों के पदों की संख्या है 1412 पदों पर ही आपकी भर्ती होगी। बड़ी और बम्पर भर्ती आपके हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों डिटेल से पूरी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। यहाँ पर आपको वेतन है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक आपको वेतन मिलने वाला है। 25,500 आपको ट्रेनिंग बेसिस पे मिलेगा और उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अब यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अलग अलग अगर बात करें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की यहाँ पर वैकेंसीज आई है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर पुरुष उम्मीदवारों के लिए जनरल कैटेगरी में 1031 पदों पर भर्ती होगी, जबकि एससी में 200 पद है, जबकि एसटी में आपके 100 पद है और कुल मिलाकर 1331 पद है जो कि मेल कैंडिडेटों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों फीमेल कैंडिडेटों के लिए। दोस्तों फीमेल के लिए यहाँ पर जनरल में 63 वैकेंसी है, जबकि एससी में आपके 12 वैकेंसी है, एसटी में आपके 6 वैकेंसी है और कुल मिलाकर फीमेल की यहाँ पर 81 वैकेंसी है। अगर ऑल ओवर दोस्तों देखी जाए तो 1094 वैकेंसी आपके जनरल की रखी गई है, जबकि एससी की 212 वैकेंसी है और एसटी की 106 वैकेंसी है। कुल मिलाकर यहाँ पर 1412 वैकेंसी यहाँ पर कुल मिला के रखी गई है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। अब डिटेल से हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपकी हाइट क्रिटेरिया कितना होना चाहिए इस भर्ती के लिए योग्य होने के लिए। यहाँ पर आपकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों महिला कैंडिडेटों की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर हाइट है वो होनी चाहिए। वही अगर मेल कैंडिडेट की बात करें चेस्ट की, तो आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है वो होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो केंद्रीय या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से अगर आप 12वीं पास हो तो इस भर्ती के लिए आप योग्य माने जाओगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंडियन सिटीजन ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, चाहे भारत के वो किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो इस भर्ती के लिए वो योग्य माना जाएगा। वही आयु सीमा की बात करें तो 1/8/2019 को आपकी आयु है वो गणना की जाएगी और आपकी अधिकतम आयु है वो यहाँ पर 32 साल रखी गई है। मतलब 32 साल तक के सभी कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जॉब लोकेशन। तो दोस्तों जॉब लोकेशन आपकी यहाँ पर ऑल इंडिया रखी गई है। जी हाँ दोस्तों ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है। वही अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में क्वालिफाई होने वालों की होगी दोस्तों शारीरिक मानिक टेस्ट और यहाँ पर शारीरिक दक्षता टेस्ट यहाँ पर होने वाला है और उसके बाद में आपका चिकित्सा परीक्षण होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आपका निःशुल्क है, बिना शुल्क आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवार है वो सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल साइट है crpf.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथियाँ भी इसमें दे रखी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो जाएगा दोस्तों 20 जुलाई से। जी हाँ दोस्तों 20 जुलाई से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा इसका। तो आपके लिए बड़ी और बम्पर भर्ती यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप भी सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा और नया रिक्रूटमेंट आपके लिए आ चुका है। तो दोस्तों
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आप चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर प्रकार के रिक्रूटमेंट की जानकारी भी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।